जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। मैडम जी, आपको ये सारे सेब खत्म करना है और मैं परमिशन पेपर्स लेके आती हूँ, ठीक है? भाई भाई, हाँ, यहाँ पर सुधा और परम बहुत ज्यादा टेंशन में है कि इशिता किडनैपर से बात कर रही है, तो आप अलर्ट पे रहना, आपको किडनैपर्स का शायद कभी भी फोन आ सकता है। किडनैपर्स मुझे कॉल करेंगे तो ठीक है, तू अपना ध्यान रख प्लीज। यू मिस्टर बल्ला, डोंट वरी, इस बार किडनैपर्स फोन करेंगे ना, हम उन्हें सीधा ट्रेस कर लेंगे एंड दिस टाइम वी विल अटैक देम। वो हमारे हाथ से बच के इस बार नहीं जाएंगे। भाई तेरा देख, मनीष देख, ये जगह बिल्कुल सेफ है, यहाँ ना हमें कोई देख सकता है ना सुन सकता है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है, ये सही रहेगा? अबे हाँ, इशिता बोल रही थी ना, देख उसके पति से हम पैसा ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, भाई अपनी भी जिंदगी बन जाएगी और परम का क्या भरोसा, हमें जेल भी भेज सकता है और क्या पता मार भी दे हमें। बात तो सही बोल रहा है। एक काम करते हैं, मैं खाना लेने के बहाने बाहर जाता हूँ और रमन भल्ला को कॉल करता हूँ, उसे बोलता हूँ कि अपनी बीवी को लेके जा और पैसे देके जा। अरे परम को कुछ पता चलेगा ना, उससे पहले हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो भी हम मेरी बात मान दे, रमन को फोन कर दे, उस रमन को पता लग जाए कि मैं कहाँ हूँ, आ जाएगी। क्या सोचा तुम लोगों ने? ए चुप करना, हम तेरे प्लान में नहीं फंसने वाले हैं, हम सिर्फ अपने बॉस की बात मानेंगे और तेरे पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, समझी? सुनो, तुम्हारे पति को कॉल करने जा रहे हैं, कोई नाटक मत करना, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, मेरे साथ में तुम लोग को पैसा दिलवा दूंगी। क्यों नहीं लेना चाहते हो तुम लोग पैसे? तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, प्लीज। कितनी बार बोला तेरे भेजे में नहीं आता, हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए, अपनी चिपड़ चिपड़ बंद कर। ये पैसे ले और इसके लिए खाना लेकर आ, तब तक मैं इसे देखता हूँ, ठीक है? फोन किसका बज? मेरा फोन बज रहा है, ये अननोन नंबर से फोन है, ये कॉल ट्रेस करो। मिस्टर भल्ला, मेक श्योर आप एक मिनट तक बात करें ताकि हम कॉल को ट्रेस कर पाए। हेलो, ए ध्यान से सुन, अगर तुझे तेरी बीवी वापस चाहिए तो बदले में 20 करोड़ रुपए देने होंगे, ठीक है? तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस इसी तरह मुझे लौटा दो, बस। इस बार हम पैसे लेंगे और तुम्हें तुम्हारी बीवी वापस मिल जाएगी, पैसे कब और कहां लेके आने ये हम बता देंगे। इशिता तुम्हारे साथ होगी ना? हाँ, लेकिन पैसे पहले चाहिए। नहीं, पहले तुम इशिता को छोड़ोगे, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लगता है तुम्हें तुम्हारी बीवी वापस नहीं चाहिए, तो ठीक है, डील कैंसिल करते हैं। अच्छा, नहीं, सुनो सुनो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन क्या भरोसा कि तुम अपनी बात से पलट नहीं जाओगे? हेलो, क्या हुआ? ट्रेस किया, ट्रेस किया। ये क्या, इशिता के पास एक ही किडनैपर है, एक तो खाना लेने गया था, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, सब ठीक है। चलो फिर। कुछ तो गड़बड़ है, एक बंदा खाना लेने गया था पर वो खाना लेकर नहीं आया, और अब ये दोनों कवरेज एरिया से बाहर है, मैं उन दोनों को देख नहीं पा रही हूँ, डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मुझे परम को इन्फॉर्म करना होगा। हेलो मैम,
रमन भल्ला को ना किसी ने फोन किया था, वो 20 करोड़ रुपए मांग रहा है उससे। वो बताने के लिए तैयार है कि इशिता कहाँ है। मॉम प्लीज बी अलर्ट। अच्छा मैं रखता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है? चलो भाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।